हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सीजी टेट 2024 और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बाध्यता को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहां बताया गया कि शिक्षक भर्ती पर बड़ी खबर, सरकार पलटने जा रही है, कांग्रेस सरकार का फैसला, डीपीआई ने मंत्री बृजमोहन को भेजा है प्रस्ताव। मतलब सीधा और साफ है, जो विषय बाध्यता वाला मामला था पिछले बार जिसमें आर्ट्स वालों की भर्ती की गई थी विषय बाध्यता को खत्म करके, लेकिन इस बार जो है विषय बाध्यता को खत्म करने जा रही है सरकार। मतलब अब जो होगी विषयवार भर्ती होगी शिक्षकों की। देखिए सामने आपका मामला आया है, देखिए पिछले बार जो 12,489 शिक्षक भर्ती थी उसमें 642 पद इस चक्कर में फंस गया और डीपीआई ने शिक्षक इस संवर्ग के लिए रिक्त पदों का प्रस्ताव तैयार किया था, उसमें बड़ी चूक कर दी। पदों की संख्या 642 ज्यादा कर दिया गया, अब पद ही नहीं है तो भर्ती कैसे होगी। नई सरकार बदलने के बाद इस पर विचार किया जा रहा था और उसे शिक्षक टी संवर्ग में कन्वर्ट किया जाए, मगर अभी तक इस पर कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। तो देखिएगा ये वाला मामला था। इसके अलावा देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के विषय में बाध्यता समाप्त कर दिया था, यानी कला संकाय वाले शिक्षक जो है सेलेक्ट हो गए थे और 8वीं तक के छात्रों को गणित और विज्ञान पढ़ा रहे थे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में जो है बड़ा नुकसान हुआ। शिक्षाविदों का मानना है कि इस पर इस फैसले से छत्तीसगढ़ मानव संसाधन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8वीं तक की शिक्षा एजुकेशन का आधार होता है और यदि कला संकाय वाले शिक्षक जो आर्ट्स में स्नातक है वो भला गणित और विज्ञान क्या पढ़ा पाएंगे। पुराने जमाने का अब तक गणित और साइंस रहा नहीं। बृजमोहन अग्रवाल ने इसको शिक्षा मंत्री जैसे ही संभाला उनको ये, और उन्होंने तुरंत जो है ये विषय बाध्यता वाला अनिवार्य कर दिया। मतलब विषय जो है विषयवार जो भर्ती होगी उसको अनिवार्य कर दिया। मंत्री के निर्देश पर डीपीआई ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है, अब इस पर कभी भी फैसला हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि विषय बाध्यता का निर्णय जल्द इसलिए होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावशील होने से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाना है और बिना इसके किया गया तो फिर बिना विषय बाध्यता की भर्ती करनी पड़ेगी। इसी वजह से बहुत ही जल्द इस पर एक नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। रही बात सीजी टेट 2024 के लिए, तो देखिए मंत्री जी ने एकदम स्पष्ट तौर पर, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वहाँ पे मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2024 में अगले 3 महीनों के भीतर सीजी टेट 2024 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जैसा कि आप सभी को हमने पहले ही कहा था कि सब कुछ तय, मान के चलिए इसका जो पेपर है मार्च अप्रैल मई ये 3 महीनों के भीतर जो है वो होने की संभावना है। चूंकि ये पात्रता परीक्षा है तो इस पर जो है परीक्षा होने पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखने वाली बात है इस पर क्या निर्णय होता है, तो जल्दी से इस पर आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा। यही सब आप सभी को बताना था, आशा करता हूं चीज़ें आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो है मंत्री जी का वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उन्होंने क्या कहा है ये जानना आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे का जो वीडियो है आप देखिएगा।